टैक्स रिटर्न नहीं भरने को लेकर फ्रीज हुए कांग्रेस पार्टी के खाते पर लगी रोक हटा ली गई है। पार्टी इस खाते से ट्रांजैक्शन कर सकती है। इस मामले में अब 21 फरवरी को सुनवाई होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और इसके चुनाव को देखते हुए की गई कार्रवाई करार दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हटा दिया, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई करार दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है, और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी, 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है, वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है, उसका पैसा पड़ा। हालांकि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के खातों पर लगी रोक हटा ली। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार 21 फरवरी को होगी। उससे पहले इस मुद्दे पर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वेरी ग्रेशियसली द आईटीएटी आफ्टर टॉकिंग टू द डीआर हैज सेड दैट देयर विल बी ओनली अ लियन ऑन द बैंक अकाउंट। There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case, on the interim application that I filed on Wednesday. अलोकतांत्रिक इतना कि सैलरी जो दी गई कर्मचारियों को उसके खातों को सील कर दिया बिना बताए, ये व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का, उसकी एजेंसियों का, मैं मानता हूँ कि देश देखे समझे। कांग्रेस इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस का कहना है कि साल 2018 से 19 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने में 45 दिन की देरी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। साथ ही पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि 45 दिन के भीतर आयकर रिटर्न भरा गया था। साल 2018 से 19 इलेक्शन का साल होने की वजह से रिटर्न फाइल करने में देरी हुई। उस समय 199 करोड़ रुपए की रसीद कांग्रेस पार्टी के पास थी जो खर्च हुई थी। उसमें से केवल 14 लाख 40 हजार रुपए हमारे सांसद और विधायकों ने अपनी एक महीने की तनख्वाह कैश जमा करवाई थी, जिसके आधार पर 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी गई। चुनावी साल होने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। अब देखना है 21 फरवरी को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई में क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूथ कांग्रेस ने संसद के पास प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस